ग्वालियर पुलिस प्रशासन भले ही अवैध गतिविधियों और बदमाशों की धरपकड़ करने की बात करती हो, लेकिन इसके बाद भी शहर में एक के बाद एक चोरी और लूट की घटनाएं पुलिस के दावों की हकीकत बयां कर रही है। ताजा मामला महाराजपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के करिश्मा नगर का है, जहां एयरफोर्स के जवान जितेंद्र के सोने मकान पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, जहां बदमाश घर में रखे सोने चांदी के आभूषण के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। दिनांक 17/7/2020 को फरियादी जीतू गुर्जर निवासी पिंटू पार्क शिव कॉलोनी ने रिपोर्ट किया था कि मेरा भाई चावला मार्केट करिश्मा कॉलोनी में रहता है, जहां मेरा मकान बना हुआ है। 16/7/2020 को मेरा भाई मेरे घर पर आ गया था, उस घर में ताला डला हुआ था। रात में अज्ञात चोरों के द्वारा उक्त मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले गए, जिसमें मेरा सोना चांदी जेवरात एवं कुछ नकदी कुल मिला के 84,000 रुपये का मशरूका चोरी गया है। उस पर से अपराध कायम किया गया है, अपराध विवेचना में। इसमें कोई CCTV वीडियो आया है और विवेचना अधिकारी सुनील सिंह तोमर हैं, जो मैं उस प्रकरण की विवेचना नहीं कर रहा हूँ, और CCTV पर जो आएगा वो सामने। अच्छा, ऐसा मान पड़ा है फरियादी है फोर्स में भी, ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि फरियादी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वो फरियादी क्या करता है। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।